ओए गाइस, तो यहाँ पे है कोकाटाइल एंड ये है बर्जिस। फिलहाल मेरे पास तीन कोकाटाइल है, एक लूटिनो एंड दो ग्रे है। ये जो ग्रे है वो फीमेल है, ये वाला ग्रे मेल है, एंड ये लूटिनो फिर से और एक फीमेल है। मैं और एक मेल लेने का प्लान कर रहा हूँ। ऑल्सो अभी इनका जस्ट बॉन्डिंग हो रहा है, ये फुल्ली बॉन्डेड नहीं है अभी। एंड यहाँ पे है बर्जिस, ये भी पैर है। टोटल है मेरे पास 6 बर्जिस है, तीन पैर है टोटल। तो ये हो गया मेरे बर्ड्स का। और मैं आपको बताता हूँ मैं इनको खाना क्या दे रहा हूँ। यहाँ पे है लीफी वेजिटेबल्स है थोड़ा सा, बज्जी को भी फिलहाल सेम डाइट है। देन वहाँ पे मैंने एक कैल्शियम का क्यूब रखा है, क्यूब नहीं है बट वो जो भी है सॉलिड रखा है। यहाँ पे इनके लिए दाना है, सब कुछ मिक्स किया गया है दाने में, सीड्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये इनको बहुत अच्छा लगता है दोनों को। ये मेरा फीमेल है, ये अभी इनका पूरा अच्छी तरह से बॉन्डिंग हुआ नहीं है बट हो जाएगा। ये मेल और ये फीमेल का थोड़ा सा चल रहा है, कुछ मेटिंग करने की ट्राई कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स आना चाहिए। अभी आते हैं हमारे ब्रीडिंग सेटअप पे। तो यहाँ पे है एक बड़ा सा बॉक्स। तो गाइस सबसे पहले ये जो पिंजरा है ये अभी सिर्फ टेम्प्रेरी है, मैं इनके लिए एक बड़ा कॉलोनी मिनी एवियरी टाइप बनाने वाला हूँ। तो ब्रीडिंग सेटअप की बात करें तो यहाँ पे है एक नेस्ट, बड़ा वाला कोकाटाइल का नेस्ट। एंड बजीज के लिए मैंने एक मटका एंड एक नेस्ट रखा है, बिकॉज ऑब्वियसली 6 6 बजीज है। तो और एक मैं ब्रीडिंग बॉक्स लगाने का सोच रहा हूँ बट जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा। ऑल्सो मटके में इतना ये नहीं जाते गाइस, जाते हैं पर इतना मतलब फ्रिक्वेंटली नहीं जाते। बट ये नेस्टिंग जो बॉक्स है, नेस्ट है, उस पर बहुत जाते। सेम विथ कोकाटाइल, कोकाटाइल का मैंने मटका रखा था पर इतना गए नहीं, बट ऑब्वियसली रिजल्ट आएंगे पर थोड़ा टाइम लेंगे। बट नेस्ट में ये जाते, अब तक तो कोई अंडा नहीं है बट मुझे फिर से खोल के चेक करना पड़ेगा, वो मैं करूँगा। ऑल्सो अभी मेटिंग कॉल्स एंड ऑल चालू हो गए हैं, तो आई थिंक एक 15 20 डेज में हमको एक दिख जाना चाहिए। सेम विद बज्जीज, बज्जीज का ये मेटिंग कॉल शुरू हो गया है, इवन मेटिंग भी थोड़ा थोड़ा करने लगे, अच्छे से बॉन्डिंग हो गया है। ये फीमेल और वो मेल का अभी हो गया है, फिलहाल पैर है, ये देख सकते हो वो खाना खा रहा है। ये जो फीमेल है वो बार बार जाके चेक कर रही है कि सब कुछ ठीक तो है अंदर। अभी मैं और एक मेल लेने का प्लान कर रहा हूँ, वो ऑब्वियसली मैं आपको अपडेट करूँगा मैं कभी लेता हूँ। ग्रे ही लेने का सोच रहा हूँ मैं, लूटिनो का तो अभी प्लान नहीं है बट लेट्स सी। देख सकते हो ये दोनों मेल एंड फीमेल है, ये जो ग्रे है वो मेल है एंड जो लूटिनो है वो फीमेल है। अभी ये दोनों चेक कर रहे हैं बेसिकली सब कुछ ठीक है या नहीं है। अभी वो एक अकेली है फीमेल, उसके लिए मैं एक मेल शायद से बहुत ही जल्दी ले लूँगा, वो भी मैं आपको अपडेट कर दूँगा। देख तो दोनों का हेल्थ भी बहुत ही अच्छा है अभी फ़िलहाल, दोनों अडल्ट भी हो गए हैं, बट बॉन्डिंग थोड़ा और होना पड़ेगा बट नो प्रॉब्लम, वो हो जाएगा। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही है, अभी मैं आपको पूरा अपडेट करूंगा आगे क्या होता है। कोई एग्स आया तो आपको मैं एग्स भी दिखाऊंगा। अभी फुल ब्रीडिंग का फुल प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, डे टू डे मैं आपको दिखाऊंगा पूरा अपडेट। ये बेसिकली मेरा जो नेस्ट सेटअप था, जो जो बेसिक सेटअप था वो मैंने आपको दिखा दिया है। एंड ये अभी अंदर भी जा रहे हैं, देख सकते हो आप लूटिनो अंदर जा रही है अभी। लेट्स होप कि जल्दी हमको एग देखने मिले। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय।